नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमी टीम वॉरियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमी इवनिंग केयर सेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एटॉमी 11 नवंबर 2020 को इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है, और लॉन्च होने के साथ ही अभी हमारे पास 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हैं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के ऊपर, तो आप लोग बाई कर सकते हो। तो सभी के सभी प्रोडक्ट यूनिक क्वालिटी के, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ओके, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप हमारे चैनल पे एक एक प्रोडक्ट के बारे में एक एक जानकारी आपको सही प्रकार से दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एटोमी इवनिंग केयर सेट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एटोमी इवनिंग केयर सेट के अंदर चार चीज़ें होती हैं, फोम क्लिंजर, डीप क्लिंजर, पिलिंग जेल और पिल ऑफ मास्क। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा फोम क्लिंजर के बारे में। फोम क्लिंजर को आप यूज़ करते हो तो ये आपकी जो स्किन है उसके ऊपर किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, और आपकी स्किन को सही बनाता है, डेफिनेटली ग्लो करता है ये। और फोम क्लिंजर को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि आप लोग जो फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, फेस वॉश, तो इन अदर वर्ड्स ये एक टाइप का फेस वॉश है। ठीक है, तो फोम क्लिंजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फोम क्लिंजर्स को अगर आप यूज़ करते हो एज ए फेस वॉश तो आपकी स्किन के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आपका फेस है उसकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा पानी से करना है, उसके बाद आपको फोम बनाने, थोड़ा सा ट्यूब को ओपन करना है और अपने हाथों की हथेलियों पर थोड़ा सा पानी लगाइए और एक फोम क्रिएट कीजिए, दोनों हथेलियों को रब कीजिए आपस में, और यह फोम लेदर बनाता है। और उसके बाद जो ऑयल है उसको रिमूव करता है, आइडियल फॉर रिमूविंग ऑयल। और आपकी जो स्किन के ऊपर जो ऑयल की लेयर बन जाती है, जो भी आप ऑयल्स वगैरह लगाते हो, तो उसको रिमूव करता है ये। और जितने भी मेकअप लेडीज एंड जेंट्स आप लोग करते हो ब्याह शादियों में, पार्टी में या सलून में, और उसके बाद रात को सोने से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हो, या अगले दिन सुबह कर सकते हो, दिन में सुबह शाम दो टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आपका फेस का जो मेकअप होता है उसको रिमूव करने के लिए इसकी जो लेयर है उसको ये रिमूव करता है। फोम क्लिंजर अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं और आपके फेस पर पहले से मेकअप किया हुआ है तो इसको रिमूव करता है उस लेयर को। हार्ड टू वॉश ऑफ सनस्क्रीन, ठीक है, और आपकी जो सनस्क्रीन भी अगर आपने यूज़ किया है तो उसको भी वॉश करता है। क्रेमी फार्मूला दैट माइल्डली क्लीनस द स्किन, तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली क्लीन करता है। और जो नेचुरल ऑयल आता है वो इसके अंदर यूज होता है। इट आल्सो हेल्प्स टू सूद एनी रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन, और हमारी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर रेडिश टाइप के काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, रैशेज वगैरह, तो इसको भी ये रिमूव करता है और इन्फ्लेमेशन को भी रिमूव करता है। लिव्स योर स्किन विद फ्रेशनेस एंड कीप स्किन हाइड्रेटेड, और जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है ये। ओके, हु कैन यूज़ फोम क्लिंजर, अब बात आती है कि फोम क्लिंजर कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन जिसकी होती है तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन ड्राई आउट डेलिकेट स्किन्स को। ठीक है, तो और उसके बाद जो ड्राई स्किन जिसकी भी होती है वो सारे के सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट डे के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो मोस्टली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन जिन लोगों की होती है, लेडीज़ एंड जेंट्स में, वो लोग, इस टाइप की स्किन के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वाई नॉट सोप एंड वाई फोम क्लिंजर, देखो अगर आप सोप इस्तेमाल करते हो, नहाने का साबुन या दूसरे डिफरेंट काइंड्स के जो साबुन मार्केट में आते हैं, वो अगर फेस को वॉश करने के लिए यूज़ करते हो तो डेफिनेटली उनमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो हमारे स्किन के जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके अंदर वो साबुन के केमिकल्स वगैरह जाते हैं और वो हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, और स्किन के जो अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं उन पे वो इफेक्ट नहीं करते, और जितने भी टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको वो डैमेज करती है जो साबुन से अगर आप फेस वॉश करते हो तो। और लेकिन अगर आप फोम क्लिंजर से फेस वॉश करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखिए आप। द नॉर्मल पीएच ऑफ द स्किन इज़ बिटवीन 4.5 to 6.5, आपकी जो नॉर्मल स्किन है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.5 से 6.5 के बीच होती है। व्हेन यू क्लीन योर स्किन, जब आप स्किन को क्लीन करते हो तो जो इंट्रैक्शन होता है स्किन का और क्लिंजर का, उसके बाद क्या होता है कि इंटरफेस द स्किन मॉइस्चर एंड स्किन पीएच, तो स्किन का जो पीएच होता है उसकी वैल्यू भी फिर डिफर होती है, और स्किन का जो मॉइस्चर होता है उस पर भी डिफर होता है। ठीक है, सोप कंटेन हार्श सर्फेक्टेंट्स एंड दैट कैन अल्टर द स्किन मॉइस्चर एंड इंक्रीज स्किन पीएच, तो जितनी भी सोप होती हैं वो हार्श सर्फेक्टेंट्स
उसके अंदर होता है और वो स्किन के अंदर जाती है। एल्टर का मतलब अंदर जाना, एल्टर द स्किन मॉइस्चर, स्किन का जो मॉइस्चर उसको एल्टर करती है और स्किन का जो पीएच है उसको बढ़ाती है। ओके, सो इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर ड्राइनेस एंड इरिटेशन। तो आपकी स्किन का जो ड्राइनेस का पोटेंशियल है और इरिटेशन उसको ये बढ़ाती है। सोप, सोप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सोप, फ्री जेल, क्रीम एंड फोम क्लिंजर आर फॉर्मुलेटेड टू बी एज इफेक्टिव बट जेंटलर, ओके, काज मिनिमम चेंज टू स्किन पीएच। तो जो नॉर्मल सोप होती है वो आपकी स्किन का जो पीएच होता है उसको डिफर करती है। ओके, पर्पज ऑफ फोम क्लिंजर। अब आपने फोम क्लिंजर को यूज़ किया तो उसका पर्पज क्या है? मेकअप रिमूवल के लिए काम आता है। अगर आपने मेकअप कर रखा है उसको अच्छे तरीके से रिमूव करना चाहते हैं स्किन से, फेस से, तो उसमें काम आता है, बहुत अच्छा तरीके से रिमूव करता है। 2 टाइम्स आपको यूज़ करना है। ओके, रिमूव डर्ट एकोमुलेटेड ड्यूरिंग डे। और दिन में जब थके आ रहे हैं, आप ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, घर से बाहर जाते हो, किसी भी काम के पर्पज आते हो, तो उसमें क्या होता है कि एटमोसफेयर के अंदर धूल और मिट्टी के कण होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर आते हैं, और जितने भी पोर्स होते हैं स्किन पे बारीक बारीक छिद्र से धूल मिट्टी के कण समा जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए, जो डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए आपको फेस वॉश करना ही होता है। और फोम क्लिंजर अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छे तरीके से वो फेस वॉश करेगा। एनकरेज सॉफ्टनेस, सपल्स एंड स्की क्लीन स्किन। और ये आपकी स्किन की सॉफ्टनेस को बढ़ाएगा, ये सप्पल एंड स्क्वी की क्लीन करेगा स्किन को। द लाइट फ्लफिनेस ऑफ ए फोमिंग क्लेंजर ट्रूली मेक यू फील फ्रेश। और इस तरीके से ये आपको एक फ्रेशनेस महसूस करवाएगा आपकी स्किन के ऊपर। ओके, वैन एंड हाउ मच टू अप्लाई। अब बात ये आती है कि आप लोग फोम क्लेंजर यूज़ कर रहे हो उसको कब अप्लाई करना है। ओके, कब अप्लाई करना है? तो फर्स्ट, वंस यू आर फिनिश्ड मासेज द क्लेंजर इन टू योर फेशियल स्किन, रिंस अवे विद वार्म वाटर ऑन ए फनल। जब आप यूज़ करते हो तो गुनगुना पानी से आप अपने फेस को 2 टाइम्स मसाज कर सकते हो, ठीक है। वंस यू आर फिनिश्ड मसाज द क्लिंजर इन टू योर फेशियल स्किन। जब आप फोम क्लिंजर लगाते हो और हल्के हाथों से मसाज करते हो अपने फेस के ऊपर, उसको आपको गुनगुने पानी से साफ करना है, रिजल्ट अच्छा है उसमें, ठीक है। सेकंड, फॉर द ड्राई स्किन रिड्यूस द फ्रीक्वेंटली इफ रिक्वायर्ड। ड्राई स्किन के लिए आप 2 टाइम्स यूज कर सकते हो। कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ योर फेस, आपके फेस के सारे एरिया आपको कवर करना है फोम क्लिंजर से। जब आप फेस वॉश करते हो तब रब करना है हल्के हाथों से, ठीक है। यू कैन यूज इट एवरी डे, और आप हर दिन इसको यूज कर सकते हो। द लॉन्गर यू कैन डू दिस फॉर द बेटर, बट इफ इन ए रश 20-30 सेकेंड्स विल बी फाइन। अब ये बात आती है कि आप कितने टाइम तक फेस को वॉश करोगे। तो 20-30 सेकेंड आपको हल्के हाथों से रब करना है फेस को, झाग बना करके दोनों हाथों में। ओके, और झाग बनाने के अलग अलग तरीके हैं, तो आपको पता है फेस में जब आप ट्यूब से फोम क्लिंजर निकालते हो तो झाग दोनों हाथों से रगड़ के बनाया जा सकता है, और वो दूसरी चीज़ें आती हैं आप उनसे भी आप फेस में झाग बना सकते हो। 20-30 मिनट आपको रब करना है फेस को। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने आपको जानकारी दी, पर्पज़ ऑफ फोम क्लिंजर आपकी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, वो साबुन और फोम क्लिंजर में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसको यूज़ कीजिए। साबुन को अवॉइड कीजिए, फोम क्लिंजर को अपनाइए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, और फोम क्लिंजर को किस टाइप के स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लोग इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा उनके स्किन के ऊपर। और फोम क्लिंजर के बेनिफिट्स क्या क्या है वो सारे यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल, अपने टीम के अंदर। और इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली आप इस टीम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और आपकी पूरी टीम को टोमी की तरफ से सारी की सारी जानकारी सही टाइम पे आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मैं हूँ आपका दोस्त डायमंड मास्टर इंदर राठौड़ फ्रॉम दिल्ली। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है एटोमी को, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को हम फुल्ली एजुकेशन ट्रेनिंग का हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा, और हमारे एजुकेशन सेंटर्स भी ऑल ओवर इंडिया में। डेफिनेटली यू विल गेट द फ्री एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।